ए, अंदर क्या घुसो जो? बहुत छोड़, जाके तेरे मुच्छड़ को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव आई बात छे। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है, हाँ, अब साथ में गुंगा बहरा भी है। और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार है। बोल जाके कुश्ती, हाँ कुश्ती, जा बोल जाके उसको। चलो मुच्छड़ कोलकाता में रखे, बंगाली और नेपाली के जगह गुजराती को चौकीदार रखता है, कल उठ के यही चोरी करे। पहलवान छो? अरे पहलवान की मारुति वाहन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल उसको। तो तुम्हें जाओ अंदर, चलो। नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। धोबी, धोबी पछाड़। ए, रुको, चलो, हाँ चलो, चलो, चलो। वहाँ नहीं, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आओ, आओ, मारुति, क्या लेने आए हो यहाँ? नमस्ते सेठ जी, आप वोट लेने आया हूँ। वोट? ये गुजरात है, गुजरात, यहाँ ना वोट है ना बाटली है, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी हूँ। तो इतना रीरी क्यों कर रहा है, पूछे बोल। उस दिन क्या बोल रहा था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछें मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा, जल्द निकाल मूछ मेरी। आप मुझे याद नहीं? अबे निकाल, निकाल, मैं कहता हूँ मूछ निकाल। मैंने ऐसा तो नहीं कहता। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे। तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है, मेरा, ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा, ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों खिला देंगे, बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप, 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 नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की कसम, मेरी माँ को उंगली दिखाता है। प्रणाम करता हूँ माँ को। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। ए, क्या खुसर फुसर कर रहे हो, हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो वोट वापस मिलेगी और मेरा पैसा? तो उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का, सबके सामने। हाँ। चलो 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 चलो। माँ आशीर्वाद दे, तेरे बेटे को पछाड़ करूँ, आशीर्वाद दे। जय माँ दुर्गा, माँ खलास कर दे। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। मैं किसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल, शीतल, अभी पता चलेगा। कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो, सरासर ना इंसाफी। मैं नहीं लड़ूंगा इसके साथ। अबे चल।
तीर दे और तीर के एक टुकड़ा फेंक सूरत में और एक टुकड़ा फेंक अहमदाबाद में घुमा चक्री घुमा ये गुंगा है, ये गुंगा है, इसको छोड़ो उसको मारो, मैं भी गुंगा हूँ, इसको बोलो मारना बंद करो, मैं गुंगा हूँ, छोड़ो जरा, छोड़ो, देखो, ये मार नहीं थी, तो? ये तो हमारे लिए खेल था, ये खेल, हाँ ये खेल था, मार तो अब पड़ेगी, अरे नहीं, रुकिए, रुकिए, देखिए, देखिए हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे तो और मैं क्या करूं देखिए आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा सच नहीं मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं तू छू मंतर हो जाएगा नहीं हा? एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ क्या अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं वो मुझे नहीं मालूम मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए जर जमीन या जोरू ए भगवान अब मैं जोरू कहां से सटिए आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना हा? नहीं है तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके पास गिरवी रहेगा बस ये कौन है ये मेरा इकलौता भतीजा है बड़े बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले सर पे नहीं बिठाया ताकि चिलक हुए उड़ा के ले जाए इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता क्या करूं मैं मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते तुमको यही रहना पड़ेगा मले मले आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे मले मले तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता नहीं। तो ठीक है इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो क्या नहीं 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 ये नहीं हो सकता क्यों क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता ए बांडिया तेरी जुदाई का गम मैं सहलूंगा बांडिया सहलूंगा जा मालिक सेठ जी मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ लेकिन मेरा कलेजा और मेरे कलेजे का छिलका यही छोड़ के जा रहा है देखा देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम बच्चों अपना ख्याल रखना और मैं 2 तारीख को आऊंगा कौन सी 2 तारीख अरे बांडिया हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना नहीं होती है मालिक मत जा मैं जबान दे चुका हूँ जबान वापस ले लो मालिक लेके जाओ इन भांडों को इनको अलग करो दादा सुखी था दिख रहा अरे बैग ले रहा हूँ जो बेचारो रड़तो रड़तो जाए छे रड़ने दो ऐसे ही सबक समझेगा आप पता चलेगा कि मैं कितना चाला गुंगा मेरा भी गया बोझ भी गया और नाव भी मिल गया पकड़ लिया तुम अगर मेरा सुनोगे मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा नहीं तो मिलने बुरा हो जाएगा मैं इधर का मैनेजर हूँ नटवर झुंझुन वाला आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला कैसे नहीं सुनने वाला मैं इसको सुनता कर दूंगा जबा, जबा। क्या जबा जबा तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी ये तो बिल्कुल ठंडा है
मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। अपनी तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। अब एक एक नहीं तो क्या बात है? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं नहीं नहीं, देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को, जान से। क्या हो रहा है ये? ओ कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओ मैं इन लोगों का कपड़ों का साइज ले रहा था, नए कपड़े बनवाने आया ना इनके लिए। इनके लिए नए कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये घर के नौकर है, तेरे मामा के लड़के नहीं है। पुराने कपड़े हैं उनमें से कोई दे दो, लेके आओ उनको अंदर। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया बांडिया। अच्छा डांडिया डांडिया, देख हा? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। नटवर, इस घर के सारे जूते लाके इसको दे दो। चल मोची। इतने सारे जूते अगर मैं फुटपाथ पे पॉलिश करता तो इतनी कमाई होती कि एक हफ्ते के अंदर मैं एक नाव खरीद लेता। ये लो। ये थोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाथ साफ करके अच्छे से पॉलिश करना सीखो, और नए भी देंगे। और कुछ जूते पैरों के साथ चलकर बाहर गए हैं, जैसे वापस आ जाएंगे वो भी देंगे। अरे गाज पाठा, तू का कलेक्टर बनने वाला, जो थाला बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है, कुछ काम कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा ये मजाक, अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? एक और काम, ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ के लोगों ने पिछले 2 साल से कपड़े नहीं धोए क्या? ए, फालतू बातों में वक्त बर्बाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं। हाँ हाँ, लाने दो लाने दो लाने दो, पूरे घर के कपड़े लाने दो, और पड़ोसों से भी पूछ लो, उनके कपड़े उनको भी लाने दो। ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। क्या बात है? लहंगा है कि सर्कस का तंबू? ये नौटंकी। ए नटवर, एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम कर, नहीं तो तुझे रस्सी में सुखा दूंगा। ये कुर्ता किस राक्षस का है? ये कुर्ता हमारे बड़े साहब का है। मतलब इन राक्षसों में से और भी एक बड़ा राक्षस है? ए, नीची आवाज में बात कर, ये लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साहब तो वो है, मंगल सिंह चौहान, गुजरात गए हैं, आने वाले हैं। हेलो हेलो, पेट तो खाड़ो पुरवा। हेलो क्या खाड़ो? मैं खाड़ो नहीं खोदूंगा, न थी, थोड़ी बहुत गुजराती मुझे भी आती है। नहीं जम्मू, नहीं जम्मू, न थी, साले गड्ढा खोद जाके, साले गुजराती समझता नहीं, मेहनत पड़ेगी तब मजा आएगा। यार कपड़े धो धो, मेरी हालत खराब हो रही, ऊपर से कह रहे गड्ढा खोदो, मैं कोई बंगला मजदूर हूँ। अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या? चाचा भी काम कर। क्या खाना? हाँ चौली की सब्जी है, चपाती है, और मिठाई में घूघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती ओ, मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा है, घाघरा, घुंगरा घुंगरा घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है?
इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। अरे ये भगवान क्या जुलुम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए। हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। ए, कुछ करो ना, कुछ करो ना, जाके कपड़ा दो। पैंट गीली कर रहा मेरी। ए, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा। अबे गोंचू, ये तेरा मालिक नहीं है, ये बड़े साहब की इकलौती बहन के कपड़े हैं। जरा से भी फट गए ना तो बड़े साहब तुझे पाल डालेंगे। हाँ, शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना, आप दो। लाज वगर ना, तने आ घाघरो चोली जो ये छे? जो ये छे, जो ये छे, जो ये छे। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप तुमने जरूर कोई गड़बड़ की होगी, तभी तुम्हारी ये हालत बनी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो वो लोग तुझे मार मर के दाल ढोकली बनाते भी थे और शाम को खा भी लेते थे। चल बैठ। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अच्छा, ये प्राणी यहाँ बैठा है। जबाला, डाला। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। वो तो मारा? वहाँ भी मारा। जबाला ने रोता क्यों, आप कहीं मत जाना। हाँ, यहाँ बैठ बैठ, यही मिलेगा। मार नहीं खाना, ये ले प्लेट ले दो। ये किस जानवर की चमड़ी? नहीं चपाती है। तो इसे सूखा कैसे खाऊं? इसके साथ कुछ तो चाहिए, अचार मिलेगा। अचार जोइए छे? हाँ जोइए छे। आले चार? एक बे तीन चार। ये क्या? छह पांच छह। हाथ धोए क्या? 24 घंटे से कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अब ये हाथ में धोऊं इस खाने के लिए? गंदा साला। आरी मिलेगी काटने के लिए? शुक्र करो बाकी दिनों के हिसाब से आज चपाती नरम है। तो यही है वो तो नए नमूने जो काम के लिए आए हैं। लड़के अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं। यहाँ खाने में इतने ही देते हैं क्या? अच्छा, तो तुम्हें 5-star होटल से खाना ला के दे, जल्दी खाओ और काम पर चलो। नहीं 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 नहीं, 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 मुझे इतना मजबूत और टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है। अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रहा है। इसे तो कुछ भी दे दो चुपचाप खाएगा और कुछ भी बोलोगे सुनेगा भी नहीं। क्यों, गूंगा बहरा है क्या? हाँ गूंगा बहरा है, लेकिन इसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। लस्सी मांग रहा है, लस्सी। चाय मांग रहा है? हाँ, चाय चाय मांग रहा है। चाय जो भी ला रही हो दो लाना। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है इसके जैसी। क्यों, बहुत खाती है क्या? नहीं, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन सकती है। श्रुति, 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 चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अरे तुम एक मिनट चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाना चाहती हूँ। चलो चलो ना, ये देखो
ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन देखने में लगता नहीं कि वो गूंगा या बहरा है। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आंख के नीचे कैसे लगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसको मार रहा था। किसे? हाँ इसे, इस बेचारे गूंगे जीव को। अब तुझे दिखाता हूँ मजा। रुको, ये पकड़ो पकड़ो, अब तुम इसे मारो। मारा है? सुनो, बिल्कुल यही लगना चाहिए। मारो। ये गूंगा मैं तेरा भाई हूँ साले। ये थड़े दे, ये थड़े छोड़ दे। हाँ बाबा साले। कुछ भी हो, मंगल मंगल मंगल। अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं? मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है, वो आपके बड़े भाई का लड़का है। अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है, लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है। जो वो कहेगा वो इस घर का कानून होगा और सबको मानना पड़ेगा, तुमको भी। रुको रुको रुको, बंद करो, ये खेलने की जगह। क्यों, क्या हुआ? टांगे टूट गई तो हम लोग प्लास्टर करवा लेंगे। तेरी टांग का प्लास्टर हो सकता है, मंडप की टांग का प्लास्टर नहीं हो सकता ना। ये सारी चीजें मेरी है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ, समझा कि नहीं? ए, चल फुट। ए, क्या फुट? संभाल कर काट, झाड़ काटने को बोला था, ये क्या कर रहा है? सामने खड़े रहोगे तो लग जाएगा, हट जा। क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? तुमको चाहिए क्या है? अरे इसे मैंने बांधा है तो मैं ही ले जाऊंगा। अरे इसको तो छोड़, इसको मैंने बांधा है। अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि शादी होते ही मैं ले जाता हूँ। ए बाबू, क्या हुआ? तो साहब मैं कह रहा था, टाइल लंबी कर दी है। क्या बांधा था इसने? शादी के लिए बांधा था। किसकी शादी? श्रुति मैम साहब की। अच्छा तो ये श्रुति का पति है? क्या बकवास कर रहा तू, मरवाएगा क्या? अरे वो चिल्ला चिल्ला नहीं कह रहा था मैंने बांधा है, मैंने बांधा है। बांधे का मतलब शादी का मंडप बांधा उसने, कोई मंगलसूत्र नहीं। क्या ये मंडप है? मैंने तो सोचा घर है। तुम्हारे गांव में ऐसे घर होते हैं? साला डोंकी, ये घर नहीं महल है। बड़े साहब का हुक्म था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो। श्रुति मैम साहब की शादी है ना? शादी कब है? तारीख तो कब की निकल गई, जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी टूट गई। शादी के ही दिन शादी टूट जाना कितने दुख की बात है। इसी मंडप में शादी टूटी थी और इसी मंडप में शादी होगी, ये कसम खाई थी मंगल ने इसी मंडप में। मेरे इजाजत के बगैर वो कौन होता है कसम लेने वाला मेरे मंडप में? अबे कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो, ज्यादा बड़बड़ मत कर, भाड़ा तो तुझे मिल रहा है ना। देखो सेठ जी, फंसाओ मत मुझे, पहले ही दो तीन शादी और एक मंदिर का त्योहार, इन सब का एडवांस ले चुका हूँ। ये मंडप खोलकर मुझे उधर लगाना है। अगर तूने इस मंडप को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ और हाँ, अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए ये मत कहना कि इस मंडप को उसकी शादी के स्मारक के तौर पे छोड़ दो। अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति मैम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मच्छर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा रूपा रूपा, रूपा के
बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? हेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात मत कर। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। Hey, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। Hey! साला इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस, ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ, आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊं, मेरी एक किडनी नहीं है। तो गूंगा क्यों बनता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था काम वाम मत करना, नहीं तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे ये रहने दीजिए। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग क्या समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना, तो मैं इस घर में रहने वाले एक एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। हा? ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना, तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। ओके। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठ कर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ।
बापू। लेकिन नेटवर्क तेरे सपने में समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया ये देखो श्रुति दिकरी की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति मैम तब आपकी शादी पक्की हो गई। ऐसी नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे फिर उसे बताएंगे। चलो चलो चलो। श्रुति दिकरी दिख रहा, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिख रही, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले ले दिख रहा। अहमदाबाद की दो कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद उन लोगों ने मांगी है, तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मैम साहब को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे? मंगल कैक तो बेचारी ने लग्न नक्की करे आशे ने। बराबर, मंगल बिना सोचे बिचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बिचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया है। श्रुति तारे तारा भाई बात मानी ले भी जो ये। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे, ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब की भलाई इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, अरे ये क्या, ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना। चलो उठो ना उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि वो पागल हो गए पागल। ए लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। ए आई हम बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अरे वो ये वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहन लेता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। एक मरूंगी ना तुम्हें, प्रेम पत्र नहीं लेता, ये लो। क्या है ये? हिंदी में तो लिखा है। वो तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंचाए गुजरात तक इतना ही काफी है। ये लो मेरी आवाज। आवाज नहीं अपनी असली आवाज में पढ़ो। हेलो जयचंद राठौड़ बोलू छू, तुम्हें कौन? कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अरे तुम्हें पढ़ो ना। अच्छा ओके ओके पढ़ो। हेलो हूँ श्रुति नो आशिक बोलू छू। ओके बराबर बोल बोल बोल। अमे बे वर्ष थी प्रेम मा चाहिए, अमे बने एक